वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको देसी पिज्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ, वो भी कुलचे के ऊपर हम बनाएंगे। कुलचे में सारी हेल्दी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, ये कुलचे मार्केट में मिलते हैं, ये बड़े आसानी से आटा कुलचे हैं। और जो चीज़ें की जरूरत है वो इस प्रकार, ये मेरे पास उबले हुए आलू हैं, कम से कम 5-6 आलू हैं, ये उबाल के मैंने मैश करके रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये कॉर्न है उबले हुए, और ये पनीर है शायद, और ये उबले हुए मटर हैं, और ये शिमला मिर्च है, एक प्याज है, हरा धनिया है, एक हरी मिर्च मैंने काट के डाली हुई है, ये चीज़ें। और इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे, और नमक और काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और आप बटर में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं इसी एक में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ें डाल देंगे इसमें। ये आलू है, एक बाउल में इकट्ठे कर लो। ये मेरे पास कॉर्न है, ये भी इसको भी डाल लो। सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये पनीर है, उबले हुए मटर है। आप इसको या तो चम्मच से कर लें, या आपके पास पोटैटो मैशर है तो उससे कर लेंगे, तो हाथ से भी इसको कर सकते हैं, मैश कर लें अच्छी तरह से। हाँ, ये देखिए, मैंने इसको ग्लास की सहायता से आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये मैश कर लिया, क्यों उबले हुए थे हमारे कॉर्न भी और मटर भी और आलू भी, तो ये हो गया। जैकटसी की या कटोरी की सहायता से भी आप कर सकते हैं इसको। ये हमारे मैश हो गए, तो अब हम इनको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, एक चम्मच छोटा, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च हम ऊपर से डालेंगे, हम जब इसको गार्निश करेंगे तो ये चिली फ्लेक्स है, तो हमने दोनों चीज़ें डाल दी, नमक और काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया, और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए, जैसे हम कटलेट या वो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें, वैसे ही हमें चाहिए इसका पेस्ट। ये देखिए, अब ये मेरे पास 2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लोर है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, कॉर्नफ्लोर भी मैंने डाल दिया, तो अब हम इसको बनाए गर्म करने के मैंने रख लिया। आप तवे में भी बना सकते हैं, तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं और बटर में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा बटर डालूंगी। ये देखिए, मैंने ऑयल और थोड़ा सा बटर डाल दिया, तो ये मैं बिल्कुल मीडियम आंच पे ये अपना ये भटूरा रख देती हूँ ऊंचा यानी, तो ये जो मैं बैटर बनाया है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये हाथ से आपको चिपकाना पड़ेगा, तभी चिपकेगा। आंच आपने धीमी रखनी है बिल्कुल। दबा दबा के करना, ताकि ये हमारा जो बैटर है चिपक जाए और उतरे ना। अब हम इसको तेज कर देते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और इसको हम बिल्कुल लाल कर लेंगे। 2 मिनट तक सेकना पड़ेगा हमारे को, तभी इसका कलर आएगा अच्छा। ये देखिए, हमारे ये बनकर तैयार है, मैंने साइड चेंज कर दिए। अब हम इसके ऊपर ग्रेटेड पनीर डाल देंगे। अब गरम में ही डालेंगे, ताकि ये चिपक जाए थोड़ा सा। और इसको ऐसे दबा देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे इस पे। ये हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे ये देसी पिज़्ज़ा यानी कुलचा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, और हमने देसी स्टाइल में बनाया इसको, और सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं, और मटर, कॉर्न और आलू और पनीर। और आप भी बनाइए, अपने बच्चों को भी दीजिए, और आप भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। शाम की आप टी के साथ भी इसको स्नैक के रूप में खा सकते हैं, और
ब्रंच में भी खा सकते हैं। बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी कैसी लगी। थैंक यू।